दोस्तों, राम नगरी को नव्य और भव्य बनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। श्री राम के मंदिर का स्वरूप अलौकिक अद्भुत तो होगा ही, लेकिन अयोध्या में पर्यटकों के लिए एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन को भी भव्य और आकर्षक बनाया जा रहा है। मंदिर बनने के बाद रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में वहां हवाई अड्डे के साथ रेलवे स्टेशन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खुलने से पहले रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों शुरू हो जाएंगे। अगले साल जनवरी में रामलला श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजेंगे, यानी तब राम भक्त रेल और प्लेन दोनों के जरिए आराम से अयोध्या आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर अयोध्या एयरपोर्ट को तैयार किया जा रहा है और राम जन्मभूमि से एयरपोर्ट 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से रखा गया है। खास बात यह है कि दिन और रात दोनों समय ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा। एयरपोर्ट स्ट्रक्चर को उन्हीं पत्थरों से तैयार किया जा रहा है जिनसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसके अंदर पहुंचने पर लगभग 10,000 वर्ग मीटर में बनी बिल्डिंग पूरी तरह वातानुकूलित है। पर्यटकों के लिए फूड प्लाजा, बुक स्टॉल, क्लासरूम, यात्री डेक समेत सभी आधुनिक सुविधाएं स्टेशनों पर दी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर के कपाट खुलने के बाद यहां हर रोज लाखों श्रद्धालु आएंगे, लिहाजा रेल के माध्यम से अयोध्या पहुंचने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या स्टेशन के नए भवन में राम मंदिर की झलक दिखेगी। प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई जाएगी और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए स्टेशन परिसर में विशेष व्यवस्था की गई है। स्टेशन के ऊपर से 2 शिखर, 4 पिरामिड, बीच में मुकुट और धनुष बनाया जाएगा। 5,000 वाहनों के खड़ा करने की क्षमता की पार्किंग बनाई जा रही है। मौजूदा समय में 3 प्लेटफॉर्म है और 3 प्लेटफॉर्मों के बनने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी। दोस्तों, मतलब साल 2023 बीतने से पहले राम भक्तों को बड़ी सौगात दे दी जाएगी और 2024 तक श्री राम की नगरी भव्यता से जगमगाती नजर आएगी। मंदिर बनने के बाद भक्त यहां आसानी से पहुंच सकेंगे, इसके लिए प्रशासन तैयारी में जोरों शोरों से जुटा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।